ungdomar som tycker det är gott. För där är kapris och där är rödbeten. Och då tycker barnen, nej, det smakar inte som köttbullar där. कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? सुबह से मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो मैं मीटिंग में बिजी थी, तो आज मेरा कपड़े धोने का टाइम है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ हम कैसे कपड़े धोते हैं। वैसे तो वॉशिंग मशीन घर के अंदर है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर सारे लोग लॉन्ड्री में ही धोते हैं। तो आज मैं लॉन्ड्री में जा रही हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ कपड़े कैसे धोती हूँ। तो चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, तो चलना है अब। देखिए फ्रेंड्स कितना डर लगता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं अकेले नहीं आती हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड ही आते हैं। ये दो मशीन धोने के लिए है और इधर देखिए ये सारा इधर पूरा ये लॉन्ड्री है, ये पूरा लॉन्ड्री है। और ये ड्रायर मशीन है, इसमें हम धोने के बाद कपड़े इसमें डाल देते हैं तो सारे कपड़े एकदम सूख के आ जाते हैं। और उसके बाद हमको यहाँ पूरा क्लीन करना पड़ता है। यहाँ ये लॉन्ड्री सिस्टम ऐसी है, गंदा करके नहीं छोड़ सकती। तो देखिए मैं यहाँ पे कपड़े कैसे करके डाल दूंगी। और ये सेकंड लॉन्ड्री है, थोड़ा थोड़ा करके धोती हूँ मैं ताकि कपड़े साफ आ जाएं। आधे मैंने उधर डाल दिए, आधे मैं इधर डाल रही हूँ। और ये मैंने रखे व्हाइट वाले कपड़े, इनको मैं बाद में धोऊंगी अलग से। ये ऐसे बंद होता है, ये बंद हो चुका है और यहाँ पे पाउडर पड़ता है ऊपर से। यहाँ पे टेम्परेचर है 40 डिग्री और 60 डिग्री, तो मैं 40 डिग्री पे धो रही हूँ। और अब मैं इसको करने वाली हूँ स्टार्ट। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 6.5 kg हम धो सकते हैं, लेकिन मेरे तो 6.5 kg से भी कम हैं, तो मैंने बोला जितना है ओके, तो मैं प्रेस कर रही हूँ। और मेरी मशीन स्टार्ट हो चुकी है और अभी मशीन खुलने वाली नहीं है जब तक इसका टाइमर पूरा नहीं होगा। और ये कपड़े धोना स्टार्ट हो गया है, अब आऊँगी मैं 60 मिनट में, 1 घंटे बाद। फ्रेंड्स मेरे कपड़ों का टाइम पूरा हो चुका है, 40 मिनट का टाइम लगा रखा था मैंने, 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे कपड़े धुल चुके हैं। तो अब मैं इसको खोलने जा रही हूँ, ये खुल चुका है। और अब मैं इसको ड्रायर में कर लेती हूँ, दूसरी मशीन में डालूँगी। ये देखिए यहाँ कपड़े निकालने के लिए भी ऐसे ट्रॉली होती है। फ्रेंड्स ये ड्रायर मशीन है और ये मैं कपड़े डाल रही हूँ सुखाने के लिए। देखिए आवाज आएगी इस
है कि मशीन लॉक हो चुकी है, अब ये दोबारा नहीं खुलने वाली है। और अब मैं इसको स्टार्ट, और इसमें लिखा हुआ रहा है कि जैसे मैंने पहले बताया था 6.5 kg से कपड़े ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे तो खाली 2 कपड़े हैं, तो मैंने कहा ओके, स्टार्ट हो गया। बस ये सिस्टम होता है यहाँ पर कपड़े धोने का, देखिए कितना ईजी है। ऑलरेडी फैन लगा हुआ है और इसी की वजह से मेरे कपड़े सूखेंगे। और ये मैंने डाल दी अपनी बेडशीट, देखते हैं कितने मिनट में सूखती है। और ये 3 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा प्रेस, ये मैंने प्रेस कर दिया। और फ्रेंड आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ शेयर करने में क्या जाता है यार, और जितना हो सके सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और लाइक कीजिए। और मेरी वीडियो देखने वालों के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर में यही कहना चाहती हूँ, जय भारत, जय उत्तराखंड।